तपोवन संस्कृत पाठशाला आयोजित जीवन के लिए कुछ रहस्यपूर्ण बातें। माया मूर्छावाद भाग एक। 18 पाप स्थानकों में 70वां पाप है माया मूर्छावाद। 8वें पाप का नाम है माया और दूसरे पाप का नाम है मूर्छावाद। इन पाप में दो पापों का मिश्रण हुआ है अर्थात माया मूर्छावाद। कपट पूर्वक झूठ बोलना, झूठ बोलना तो अपराध है ही, परंतु यहाँ तो माया दंभ पूर्वक झूठ बोलने का है। ऐसे व्यक्ति के मन में कुछ और होता है और वचन में कुछ और होता है। जिस प्रकार वेश्या का सिर्फ धन के साथ ही संबंध होता है, वह धनी व्यक्ति के साथ बाहर से मीठा व्यवहार करती है, परंतु उसके मन में तो कुछ और ही होता है। धन चले जाने के बाद वह उसी व्यक्ति से घृणा करने लगती है। बस माया मूर्छावादी का जीवन भी उसी वेश्या के भांति ही होता है। वह सामने वाले को ठगने के लिए से भी अधिक मीठा बोलता है, परंतु उसके हृदय में तो भयंकर जहर ही होता है। एक बालक भी भय का लोभ के कारण झूठ बोल सकता है, परंतु कुछ धमकी देने पर वह सत्य भी बोल देता है। परंतु जो माया मूर्छावादी होगा वह तो कपट करके झूठ बोलेगा। माया मूर्छावादी को झूठ, शायद आपको पता नहीं होगा कि आदमी माया का आश्रय तभी लेता है वह जैसा है उससे अधिक अच्छा दिखने की कोशिश करता है। आज आदमी अच्छा बनना नहीं चाहता है, परंतु अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, क्योंकि अच्छे बनने में तो कष्ट सहन करना पड़ता है, जबकि अच्छा दिखने में तो माया कपट का ही आश्रय लेना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है आज हम जिस तरह से जी रहे हैं वह सच्चे राह पर है या नहीं? क्योंकि वही व्यक्ति अच्छी राहों पर चल सकता है जो लॉस और बेनिफिट देखता हो। मूर्छावाद करने से लॉस होता है या बेनिफिट, वह सोचना चाहिए। वैसे तो माया मूर्छावाद से बेनिफिट तो होता ही नहीं है, किंतु लॉस ज्यादा होता है। इसलिए यह पाप करने से क्या लॉस होता है वह जानने के लिए अगले भाग को देखना अवश्य न भूले। ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।